राहुल, पैदल साइकिल लेके चलने से कोई फायदा नहीं होगा। साइकिल पर बैठ के चलो जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ। ऐसे अगर पैदल साइकिल ले जाओगे तो कब तक शहर में पहुंचोगे? दिवाली मनाने के बाद गांव में इतनी लंबी छुट्टी के बाद अपना लोग शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं और तुम हल्के हल्के चल रहे हो। तेजी से चलो। मोदी जी एक बात बताओ, तेजी से कैसे चले? मेरे साइकिल पे देखो कितना बड़ा बोर है। अरे दिवाली की 10 दिन की छुट्टी के बाद अपना लोग दोबारा शहर काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, तो घर से मैं थोड़े बहुत चावल ले जा रहा हूँ साइकिल पे पीछे रख के, क्योंकि अपना वही रहकर मजदूरी करते हैं और शहर में चावल बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए मैं चावल रख के ले जा रहा हूँ साइकिल पे। मोदी जी इतनी लंबी दिवाली की छुट्टी मनाने के बाद शहर जाते हुए मजदूरी करने के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यही गाँव में रहो, लेकिन क्या करा जाए? काम नहीं करोगे तो खर्चा पानी कैसे चलेगा, पैसा कैसे हाथ में आएगा? लालू जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दिवाली की लंबी छुट्टी बिताने के बाद गाँव में दोबारा शहर में मजदूरी के लिए लौटने पर बहुत ही बुरा लग रहा है। वैसे इस बार दिवाली पे आया बहुत मजा। मोदी जी मजा तो आया गांव में, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि 2-4 दिन और रुक लो, उसके बाद शहर में काम करने के लिए चलेंगे, मजदूरी करने के लिए चलेंगे, लेकिन आप रुके नहीं। देखो योगी जी एक बात सुनो, यहाँ गाँव में भी रहने से क्या फायदा? जो पिछले महीने अपना लोग शहर से पैसा कमा के लाए थे वो तो इस बार दिवाली पे खर्च हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी यहाँ पे रहते रहते खर्च हो जाता। अब शहर में जाके दोबारा कमाई चालू करेंगे, फिर होली पे घर पे आएंगे। लेकिन मोदी जी होली के तो अभी काफी दिन है, इतने लंबे दिन शहर में नहीं रुकेंगे, बीच में एक चक्कर और मार देंगे गांव का। चलो लालू जी शहर में मजदूरी जाकर करना शुरू तो करो, अगर 1-2 महीने बाद अगर शहर में मजदूरी करते करते बुरा लगेगा तो होली से पहले एक चक्कर गाँव का मार देंगे। वैसे राहुल तो पूरे 6 महीने की चावल बोरे में भर के ले जा रहा है, इतने चावल तो अपना लोग 6 महीने में खा सकती हैं आराम से। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, दिवाली के बाद फैक्ट्री मालिक ने ये कहा था कि अपनी मजदूरी के दाम बढ़ा देगा, दाम बढ़ाने के लिए कहना फैक्ट्री मालिक से। अखिलेश बिल्कुल, फैक्ट्री मालिक ने कहा था दिवाली के बाद 200 रुपए मजदूरी हो जाएगी, अब 200 रुपए मजदूरी में काम करेंगे अपना। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मोदी जी क्या हाल है? ठीक तो है सब? कुशल मंगल है सब? अंडे की दुकान कैसी चल रही है आपकी? अगले सब कुछ ठीक है, दुकान भी अच्छी चल रही है, ऊपर वाले की कृपा है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए आज? मोदी जी आपके अंडे की दुकान पर आए हैं हम, तो खाली तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। ऐसा करो एक उबला हुआ अंडा दे दो मुझे, आपकी दुकान का अंडा खा के मजा आ जाता है। अरे लालू जी और राहुल भैया भी आ गए। अखिलेश मैं तो हमेशा अच्छे ही अंडे बेचता हूँ, ताजे और अच्छे अंडे, इसीलिए ग्राहक मेरे पास आते हैं। लालू जी आपको क्या चाहिए बताओ? मोदी जी आज घर से कुछ खा के नहीं आया हूँ, मन बना के आया हूँ आप ही की दुकान का ऑमलेट खाऊंगा। 2 अंडों का ऑमलेट बना दो ब्रेड लगा के। लालू जी आज ऐसा ऑमलेट बना के दूंगा तुम भी उंगलियां चाटते रहोगे। और राहुल जी तुम कैसे खड़े हो? तुम नहीं बोल रहे हो, बड़ा चुपचाप खड़े हो आज तुम। इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है और फिर भी तुम मेरी दुकान पे आके कुछ अंडे वंडे खा ही नहीं रहे हो। मोदी जी एक बात बताओ, अगर मेरी फसल अच्छी हुई है तो क्या फसल की सारी कमाई आपके अंडों पर खत्म कर दूं? कल तो मैं आपकी दुकान से 1 अंडा खा कर गया था, आज मैं अंडा नहीं खाऊंगा। चौमीन दे दो 1 प्लेट बना के, ये बहुत अच्छा है। आप अंडों के साथ साथ चौमीन भी बेचते हो, और मिर्ची वाली खट्टी वाली चटनी डालना चौमीन पर। मीठी चटनी मुझे कोई खास पसंद नहीं है। राहुल तुमसे कोई मजाक में भी बात कर दो तो तुम तो भाग पड़ते हो। अरे मैंने यही तो कहा, इस बार तुम्हारी फसल की अच्छी पैदावार हुई है, ये थोड़ी का कि सारी फसल की कमाई मेरे अंडों पर खत्म कर दो। ये कह रहा हूँ 2-4 अंडे रोज खा लिया करो मेरी दुकान से, ताजे मुर्गी के अंडे खरीद के रोज लाता हूँ मैं शहर से। वो बात ठीक है मोदी जी, आप रोज अंडे ताजे ही लाते हो, मुझे पता है आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, अच्छा माल बेचते हो, लेकिन कम से कम जो चीज मन होगा खाने का वही तो खाऊंगा मैं। चाउमीन दे दो 1 प्लेट मुझे, अंडा तो फिलहाल मैं नहीं खाऊंगा, कल मैंने अंडे खाए थे और इस गर्मी में ज्यादा अंडे खाना भी नहीं चाहिए। राहुल तुम्हें चाउमीन से मतलब है? तुम चाउमीन पकड़ो, यहाँ मेरी दुकान पे खड़े हो गए ये क्यों कह रहे हो कि गर्मी में ज्यादा अंडे नहीं खाना चाहिए? तुम्हारी बात सुन के मेरे ग्राहक भाग सकते हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी क्या बताऊँ, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50
₹100 उधार ले लिए थे और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं, इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल तुमसे भी तो ₹50 अभी तक नहीं लौटाए जा रहे केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए, राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठे हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ, ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठे हो? केजरीवाल जी हम भी राहुल की तलाश में बैठे हैं, राहुल आई नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं, वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को पड़के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा, चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वही मुँह में गुनगुनाने लगा, बात किससे करूँगा? अरे अखिलेश तुम कैसे चुप हो, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, बहुत देर से यूं ही चुप बैठी हो? तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊँ, अगर मैं कहूँगा कि चारपाई के नीचे लेटा है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे? जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा, चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है। और हाँ ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे ₹50, तो केजरीवाल जी राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए हैं जो ₹50 उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे, इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है, मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी हमें कितने दिन तक और इसी तरीके से नाव में पढ़ाई करना पड़ेगी, कब तक गाँव में बाढ़ का पानी खत्म होगा और कब स्कूल दोबारा खुलेंगे? पूरे गांव में चारों तरफ पानी पानी फैला पड़ा है बाढ़ का, ऐसी बाढ़ तो मैंने अभी तक नहीं देखी। योगी जी बस कुछ दिन की बात और है, बाढ़ का पानी कम होने लगा है, हल्के हल्के गांव में बाढ़ का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और क्या कह रहे हो स्कूल कब खुलेंगे? अरे स्कूल नहीं खुलना है तो क्या हुआ, मैं नाव में तो रोज तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ, ये भी तो स्कूल खुलना ही हुआ। वो तो भला हो लालू जी का जिन्होंने अपनी नाव को हमें पढ़ने के लिए दे दिया। चलो वो सब छोड़ो अखिलेश, कल मैंने तुमसे कहा था किसी के सर के बाल गिन के लाना, गिन के ले आए किसी के सर के बाल? कितने बाल होते हैं एक आदमी के सर में बताओ? मैं तो सर के बाल गिन आया मोदी जी, एक आदमी के सर के बाल गिन के चला आया मैं। कितने बाल थे उसके सर में बताओ, कितने थे? जीरो बाल था मोदी जी उसके सर में, जीरो। अरे जीरो बाल कैसे था, तुम्हारे सर में क्या जीरो बाल है, लाखों बाल है तुम्हारे सर में। अरे मोदी जी आपने कहा था किसी भी आदमी के सर के बाल गिन के चले आना, मैंने जिस आदमी के सर के बाल गिने वो तो गंजा था, उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, तो जीरो बाल हुए नहीं हुए? बहुत बढ़िया अखिलेश, बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने। अच्छा उमेशी जी तुम बताओ, अपने आप से बातें करना इस वाक्य का उदाहरण दे के समझाओ। अरे अभी बता देते मोदी सर जी, ये तो बहुत ही आसान है, चलो बताता हूँ मैं। और उमेशी जी कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है? मोदी जी बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते। अरे ये क्या कर रहे हो उमेशी जी? अरे मोदी सर जी अपने आप से बातें कर रहा हूँ, आप ही ने तो कहा अपने आप से बातें करना, इस वाक्य को उदाहरण दे के समझाओ। मैंने अपने आप से बातें कर ली। क्या बात है उमेशी जी, बहुत बढ़िया। राहुल तुम बताओ, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। ये तो मोदी जी बहुत ही आसान है, दाल ₹50 किलो है, आटा ₹20 किलो है। अरे ये क्या कर रहे हो राहुल? अरे आटे और दाल का भाव बता रहा हूँ तुम्हें। अरे मोदी जी तुम इन लोगों को नहीं पढ़ा पाओगे, ये उल्टा तुम्हें पढ़ा देंगे। जब तक बाढ़ खत्म नहीं हो जाती तब तक इनकी छुट्टी कर दो और कहो के घर पे जाके पढ़े। वैसे भी तुमने मेरी नाव को स्कूल बना रखा है, नहीं तो इस बाढ़ में मैं अपनी नाव से बहुत कमाई कर लेता। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।